अजमेर शहर में गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाएं गाय के गोबर से घर की जमीन को लीप कर गोवर्धन पर्वत बनाती हैं और आंगन में विधि विधान से पूजा करती हैं। महिलाओं ने गोबर से विभिन्न प्रतिमाएं बनाई, जिसमें ग्वाला, ग्वालिन, गाय, पहरेदार, गोरी माता, दही बेचने वाला ग्वाला और आटे की चक्की शामिल थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण की उस घटना की याद में मनाई जाती है, जब उन्होंने इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सभी वृंदावन वासियों को बारिश से बचाया था। यह पर्व दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, जिसमें गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ ही गाय और नंदी की भी पूजा की जाती है। इस दिन नए अनाज का शुभारंभ कर भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। एक दूसरे रोज हम गोवर्धन पूजा करते हैं और गोवर्धन पूजा में जो पूजा की सामग्री सभी कुकू मोली दही लाते हैं और इसमें बिलोते हैं। उसके बाद कामना करते हैं घर की लक्ष्मी आए, खूब बच्चे सुखी शांति से रहे और पूरे मोहल्ले वासी यहाँ हम एक साथ पूजा करते हैं।